आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे अपना फर्स्ट प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। अब फर्स्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करने का ये मतलब है कि आप अमेज़ॉन पे सेलर हैं, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको अपना प्रोडक्ट सेलर है, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। और आपको अपना नया प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए आपको अपना जो प्रोडक्ट है डिस्प्ले पे लगाना पड़ेगा। और डिस्प्ले पे कैसे लगाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिस्टिंग करना। तो आज मैं लिस्टिंग करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमने अमेज़ॉन का सेलर का डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे या थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद एक कैटलॉग्स पे आएंगे, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब अमेज़ॉन पे लिस्ट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट करें, एक होता है आप अपने खुद के ट्रेडमार्क वाले प्रोडक्ट को लिस्ट करें, और एक होता है आप पे लोकल प्रोडक्ट है तो आप लोकल प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए तो ब्रांड अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इसकी एक अलग से बिल्कुल प्रोसेस है, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं अमेज़ॉन की। आज आपको लोकल प्रोडक्ट जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है जो बिगिनर्स बेचते हैं वो सिखाऊंगा। इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट होगा उसका कीवर्ड यहाँ टाइप कर देंगे। बट कीवर्ड मतलब टाइटल अपने प्रोडक्ट का। जैसे आपको टी शर्ट फॉर मैन बेचनी है तो आप डालेंगे टी शर्ट फॉर मैन। इसी तरीके से आप भी अपने जो भी प्रोडक्ट होगा, शूज़ फॉर मैन, पर्स फॉर लेडीज़, जो भी होगा अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। यहाँ से चुन लेंगे और यहाँ दबाएंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग। अब आप प्रॉपर लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप एक काम करेंगे, वो क्या करेंगे कि आप ऑल एट्रीब्यूट से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड पे क्लिक हो रहा होगा तो आप दबा देंगे ऑल एट्रीब्यूट्स पे। ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी एक्स्ट्रा फील्ड्स कुछ इसमें खुल जाएंगे अमेज़ॉन पे, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स आपके अमेज़ॉन पे खुल जाएंगी। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, जनरेट लिस्टिंग कंटेंट। अब आप इस पे जनरेट अगर आपको ऑटोमेटिकली करना है लिस्टिंग कंटेंट तो आप इसमें अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, लेकिन सिर्फ आपके प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स जनरेट होंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़े गलत भी हो सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि अगर आप ऑटोमेटिकली जनरेट करना है तो एक बार उसको आप चेक कर लेंगे कि सारी डिटेल्स आपके प्रोडक्ट से मैच करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं डालूँगा टी शर्ट फॉर मैन इन रेड कलर, और यहाँ मैं दबा दूंगा जनरेट कंटेंट। आप अपने प्रोडक्ट की इमेज भी डाल सकते हैं इनको अच्छे से बताने के लिए, ठीक है। नहीं, हालांकि ऑप्शनल है, जनरेट कंटेंट दबा देंगे। तो जनरेट कंटेंट दबा देंगे, सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट का जो आइटम नेम होता है, जो कि प्रोडक्ट का टाइटल होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपसे सहमत है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहें तो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, या प्रोडक्ट टाइप आपको कह रहे हैं कि मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करो। अगर इन्होंने जो ऑटोमेटिकली कैटेगरी बताई है इससे संतुष्ट हैं तो कन्फर्म दबाएंगे, नहीं तो सेलेक्ट कर दबा के। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट कर दबा के या तो आप यहाँ सर्च सर्च करके अपनी कैटेगरी चुन सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। कन्फर्म दबाऊंगा। अब ये ब्राउजिंग नोट्स भी दी हुई हैं, जैसे क्लोथिंग एसेसरीज, मैन टी शर्ट, पोलोस टी शर्ट, टी शर्ट। अगर आप इस ब्राउजिंग नोट्स से सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो आप चुन सकते हैं। एक बार अच्छे से याद रखनी है, प्रोडक्ट टाइप और ब्राउजिंग नोट बाद में बदल नहीं सकते हैं, तो एक बार अच्छे से देख लें क्या इस प्रोडक्ट की वेरिएशन है, मतलब इस प्रोडक्ट में और साइजेस और कलर हैं। अगर हैं तो दबाएंगे दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशन, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। अगर आपको वेरिएशन बनाना सीखनी है प्रोडक्ट की, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप चैनल पे आकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं चुन रहा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ब्रांड नेम चुनेंगे, लोकल है अगर तो चुनेंगे दिस प्रोडक्ट डस नॉट हैव अ ब्रांड नेम। और ठीक प्रोडक्ट आईडी में वैसे चुनेंगे आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। इसके बाद दबाएंगे नेक्स्ट। अब हमने ऑटोमेटिकली जनरेट किया था वहाँ पे कंटेंट, तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स इन्होंने दे दी है, जो कि कंपलसरी होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा वाली फील्ड सारी कंपलसरी होती है। अब आप इनके ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स से अगर सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ इमेजेस ऐड करनी है, जो कि एक्स्ट्रा वाली फील्ड तो नहीं दी हुई है लेकिन कंपलसरी है, तो हम करेंगे। आप अप टू 9 इमेजेस तक कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक इमेज आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये हमने इमेज ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद हम दबाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स पे। अब
प्रोडक्ट डिटेल्स पे आपको आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से फील्ड्स दी होंगी। अब इसमें जो जो स्टार वाली फील्ड्स होंगी जो भी, वो सारी की सारी कंपलसरी होंगी, और बाकी की जो बिना स्टार की फील्ड्स हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अब जो स्टार वाली फील्ड्स हैं हम उन सबको भर देते हैं। मॉडल नेम, मॉडल नेम में आप कुछ भी भर सकते हैं, तो मैं डालता हूँ जैसे कि रेड टी शर्ट RM15, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर आप डालेंगे। अब ये तो हमारे लोकल है, तो आप इसमें डालेंगे मैन्युफैक्चरर में अपना जो है सेलर नेम डाल देंगे, अगर आपको मैन्युफैक्चरर नेम नहीं पता है तो उसका, ठीक है। जेनरिक कीवर्ड्स, अब जेनरिक कीवर्ड्स में क्या है कि आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के कीवर्ड्स डाल सकते हैं। प्रोडक्ट कीवर्ड्स मतलब कि जो लोग सर्च करते हैं तो किस सर्च टर्म्स पर आपकी लिस्टिंग लोगों को दिखे, जैसे कि आप यहाँ डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर टी शर्ट फॉर मेन, इन नहीं डालेंगे सॉरी, टी शर्ट मेन रेगुलर फिट। अगर आपको कीवर्ड्स डिटेल में लिखना सीखना है सही तरीके से तो आप चैनल पे आके देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक कंपलसरी फील्ड नहीं है लेकिन ज़रूरी तो है मेरे हिसाब से, ठीक है। स्पेशल फीचर्स आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो डालने तो कोई बात नहीं, लाइफ स्टाइल भी आपकी मर्ज़ी है, स्टाइल ये कंपलसरी डालेंगे। तो यहाँ चुनूंगा मैं, स्टाइल है मेरे प्रोडक्ट का जो है वो है मॉडर्न, डिपार्टमेंट नेम तो ये आदमियों के लिए, तो मेन, टारगेट जेंडर चुनेंगे मेल फीमेल यूनिसेक्स अपने हिसाब से, एज रेंज डिस्क्रिप्शन ये एडल्ट्स के लिए, बेबीज़ के लिए, किड्स के लिए आपका प्रोडक्ट आप चुनेंगे, ठीक है। शर्ट साइज क्लास, ठीक है, तो इसमें ये तो IN ही रहेगा, और इसमें जो होगा कि आप शर्ट साइज़ कैसे चुनना चाहते हैं, नंबर्स में चुनना चाहते हैं कि स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे चुनना चुनना चाहते हैं। तो मैं ऐसे चुनना चाहता हूँ स्मॉल मीडियम लार्ज, तो मैं चुनूंगा यहाँ अल्फ़ा, ठीक है। और इसमें चुनेंगे कि मीडियम है स्मॉल है, साइज अपना चुनेंगे क्या है, लार्ज है तो मैं मीडियम चुन लेता हूँ। मटेरियल चुनेंगे अपने प्रोडक्ट का ईमानदारी से, बिल्कुल जो भी होगा अपने हिसाब से चुनेंगे। फैब्रिक टाइप मतलब कि 100% कॉटन है, मिला जुला है, 10% पॉलिस्टर है, या आपको टाइप चुनना है अपने प्रोडक्ट के फैब्रिक की, तो मैं डाल देता हूँ इसे 100% कॉटन, आप भी डालेंगे। फील्ड्स बदल गई हैं, पहले अलग होती थी, उससे पहले अलग होती थी, अब बदल दी। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब जब आप आइटम भेजेंगे कस्टमर को उस पैकेट में कितने आइटम होंगे, एक होगा तो मैं एक डालूंगा यहाँ पे। आइटम टाइप नेम तो एक किस आइटम के टाइप क्या है, ये ब्लाउज है, बॉलिंग शर्ट है, ड्रेस शर्ट है, मतलब क्या है अपने हिसाब से चुनेंगे आप, ठीक है ना। मैं चुन लेता हूँ, मतलब आपका किस कैटेगरी में आता है। तो ये टी शर्ट जो है ये तो आपकी टी शर्ट की कैटेगरी में ही आती है, तो मैं चुनूंगा। स्ट्रेप टाइप छोड़ देता हूँ, सब्जेक्ट करेक्टर छोड़ देता हूँ। स्पेशल साइज, स्पेशल साइज मतलब कि ये स्लिम बॉयज़ के लिए, टॉल लोगों के लिए है, समझ रहे हैं आप, बेबी के लिए है, बिग एंड टॉल है, अपने हिसाब से चुनेंगे। तो मैं स्टैंडर्ड, अगर आपका कुछ स्पेशल साइज़ नहीं है, मतलब लंबे लोगों के लिए ओवर साइज़ नहीं है, लिटिल बॉयज़ के लिए नहीं है, तो आप हमेशा चुनेंगे फिर स्टैंडर्ड, ठीक है। कलर मैप, कलर मैप मतलब जो आपका प्रोडक्ट किस कलर मैप को बिलोंग करता है। अगर आपका प्रोडक्ट लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो ग्रीन कलर मैप को बिलोंग करेगा। अगर वो लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू है, तो वो ब्लू कलर मैप को बिलोंग करेगा। और जैसे ही आपका रेड अगर प्रोडक्ट है तो रेड कलर मैप को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके बाद कलर प्रोडक्ट का रेड, आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें तो ठीक है, ओकेशन चुनेंगे प्रोडक्ट का अगर आप डालना चाहें तो, मर्जी आपकी। ये भी पार्ट नंबर, पार्ट नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। इसे मैं डालूंगा 1 2 3 RXR, अपने हिसाब से डालेंगे। थीम चुनना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिट टाइप चुनेंगे प्रोडक्ट का अपने क्या है, ये तो भाई रेगुलर फिट है तो मैं रेगुलर चुनता हूँ। और पॉकेट डिस्क्रिप्शन है डालनी, क्लियर इंस्ट्रक्शन तो ये भी चुनना है कंपलसरी, हैंड वॉश, मशीन वॉश, ड्राई क्लीन अपने हिसाब से चुनेंगे। मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप क्या डालेंगे, इस मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना जो है घर का एड्रेस, शॉप का एड्रेस,
या फिर मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे, जिसमें डालूंगा यहाँ 6/16 माधव कुंज पार्क जेनेसिस, अपने हिसाब से डालूंगी कुछ भी। और क्या है स्टार वाली फील्ड्स भाई, ये है HSN कोड। जो है HSN कोड आपका टैक्स कोड होता है, मतलब इस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा। अगर आपको नहीं पता है आपके प्रोडक्ट का HSN कोड, तो आप नॉर्मली सर्च करेंगे प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट और HSN कोड, ठीक है ना। तो अब आपका प्रोडक्ट का HSN कोड आप इंटरनेट पर डालेंगे, प्रोडक्ट का नाम HSN कोड, मैं फिलहाल यहाँ डाल लेता हूँ। टैक्स कोड होता है आपका, GST का टैक्स कोड, ठीक ना, कि आपके प्रोडक्ट पे कितना GST लगेगा, इससे पहचानती है सरकार। इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, अब आपका प्रोडक्ट तो इम्पोर्टेड नहीं है, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने तो स्टार वाली फील्ड्स दी हुई है, तो भी मतलब कंपलसरी बोला हुआ है, तो इसमें भी आप अपना शॉप वगैरह का नाम ही डाल सकते हैं, थोड़ा बदल के। जो ऊपर पैकर कॉन्टैक्ट होगा ना, उस इन्फॉर्मेशन उससे थोड़ा अलग होगा। तो मैं डालूंगा पार्क जेनेसिस इंटरनेशनल लिमिटेड, पैकर कॉन्टैक्ट में भी मैं अपने हिसाब से डाल लूँगा पार्क जेनेसिस शॉप का नाम, इसके अलावा एड्रेस डाल दूंगा अपना। ठीक है, इसके बाद और कोई स्ट्रा वाली फील्ड है, यहाँ स्लीव टाइप है, इसको चुन लेंगे। स्लीव्स क्या है आपके प्रोडक्ट की, पहले ये इतना ज़्यादा कंपलसरी फील्ड्स नहीं दी होती थी, अभी उन्होंने बढ़ा दिया, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कर दिया। फिर ऑफर पे क्लिक करेंगे, ऑफर में क्या है आपके पास प्रोडक्ट की बेचने के लिए कितनी क्वांटिटी आप डालेंगे। एक सेकेंड, इन द पास डाली, ठीक है। इसके अलावा आप किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं ये डालेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो हमेशा मैक्सिमम रिटेल प्राइस योर प्राइस से ज़्यादा होगा, तो यहाँ हम डाल देता हूँ मैं 1500, मतलब MRP होती है ना वो है, ये इतना तो पता ही होगा आपको, ऑनलाइन बेच रहे हैं। कंडीशन न्यू ही रहेगी, कुछ नहीं कर सकते इसमें आप। फुलफिलमेंट बाय आप चुनेंगे, इजी शिप ही चुनेंगे, क्योंकि अमेजोन अगर आपका FBA नहीं है तो इजी शिप चुनेंगे। प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ हाइट आप प्रोडक्ट की नाप के रख लेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन नहीं होता था, अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया। हो सकता है आपकी कैटेगरी में ऑप्शन कंपलसरी नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, जो लेंथ होगी वो चुननी है, सेंटीमीटर्स में चुनेंगे, मीटर में, इंचेस में, अपने हिसाब से चुनेंगे। इसमें इंचेस में चुनूंगा, ठीक है। लेंथ होगी 28 इंचेस, प्रोडक्ट की चौड़ाई कितनी होगी ये भी मैं इंचेस में चुनूंगा, ठीक है। मैं चुनूंगा ये 14 इंचेस। हाइट कितनी होगी प्रोडक्ट की चुनूंगा मैं, ये मैं इंचेस में चुनूंगा या सेंटीमीटर में, अपने हिसाब से चुनेंगे आप। प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ हाइट जो भी होगी अपने हिसाब से चुनेंगे, ठीक है। और डायमेंशन सुनी कंपलसरी है, यहाँ पे हाइट है प्रोडक्ट की जो, ठीक है। ये सारी फील्ड्स भर दी, आप सेफ्टी एंड कंप्लाइंसेस पाएंगे। अब यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजन इंडिया, ठीक है। आइटम वेट, अपने आइटम का वेट डालेंगे, पहले कंपलसरी नहीं था अब डालेंगे। इसलिए आप चुनेंगे पहले कि क्या है वेट, किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, उस हिसाब से चुनेंगे। ग्राम्स अगर चुनेंगे तो यहाँ डालेंगे 0.250 या फिर 250 ग्राम सीधा डालेंगे ऐसे, ठीक है। ग्राम्स में, केजीस में पॉइंट करके डालते हैं। सब हो गया, थोड़ा तो वेट करेंगे, दबा देंगे सबमिट। दोस्तों जो हमारी लिस्टिंग है सबमिट हो गई है, 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। और भी अमेजोन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो चैनल पे आके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।